शराब ने एक बार फिर से 16 लोगों की जान ले ली है। जी हाँ, देश ही नहीं पूरी दुनिया शराब के चकाचौंध वाली जिंदगी में डूबी रहती है और लोग सोचते हैं कि ये जिंदगी ही सबसे अहम है, जबकि ये जिंदगी ना केवल खुद की बल्कि पूरे परिवार के परिवार और कभी कभी तो गांव के गांव को सन कर देता है, गांव के गांव नाश हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है बिहार में। जी हाँ, बिहार से चौंकाने वाली खबर आई है, जहरीली शराब पीने से 16 लोगों की जान चली गई। ये मामला पश्चिम चंपारण जिले के लोरिया और रामनगर प्रखंड क्षेत्र का है। इस मामले के उजागर होने के बाद पुलिस ने जगह जगह छापेमारी कर 5 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया है, लेकिन हिरासत में लेने से ही क्या फ़ायदा, जब जान चली गई तो वो वापस तो नहीं आ सकता। इसको लेकर पश्चिम चंपारण के DM कुंदन कुमार ने बताया कि देउरवा, जोगिया, बगही और सबैया में 16 लोगों की मौत हो गई है। इस मामले के शिकार हुए मुमताज के भाई के बयान के आधार को बनाकर संदिग्धों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जिला प्रशासन की ओर से मेडिकल, डॉग स्क्वाड की टीम, उत्पाद समेत अन्य अधिकारियों को जांच व छापेमारी में लगाया गया है और इन सारे कार्रवाई के बाद 5 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। लेकिन एक कहावत है कि सांप भाग गया, लकीर पर डंडा मारने से क्या फायदा, जिसकी जान जानी थी वो चली गई, वो वापस तो नहीं लाया जा सकता। बिहार सरकार ने शराबबंदी का फैसला तो लिया, लेकिन शराबबंदी के बाद जितने अपराध बढ़े हैं, जितने अवैध शराब बिक रहे हैं, ये शायद जब शराबबंदी नहीं थी तब भी नहीं होता था और इतनी ज़्यादा जाने तो कभी नहीं जाती थी, खास तौर पर शराब पीकर, क्योंकि शराबबंदी के बाद लोग चोरी छुपे जहरीली नकली शराब बनाते हैं और वो शराब पीकर हर महीने दर्जनों लोगों की जान चली जाती है और कभी कभी तो एक दिन में 1.5-2 दर्जन लोग मारे जाते हैं। इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, इसके जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। शराब बनाने और बेचने वालों पर तो कार्रवाई होती है, लेकिन ये जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और मादक पदाधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, ये बड़ा सवाल या निशान है और यही सवाल बार बार बिहार की वो पीड़ित माताएं, बहनें और उनके परिवार के लोग पूछ रहे हैं जिन्होंने अपने लोगों को खोया है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी का ऐलान तो किया, लेकिन अवैध शराब राज्य में कैसे आते हैं, कैसे बिक रहे हैं और उन्हें रोका क्यों नहीं जाता, जिस कारण से उनके परिवार के लोग इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ये सवाल हमेशा जागृत रहेगा जब तक इसका टोटल समाधान नहीं हो जाता। और ये समाधान कब होगा, इसे जानने के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।